दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आरनेस लव में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी बार बार आपसे विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो और भर्ती से संबंधित हर जानकारी आपको समय पर जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक और नई जानकारी के साथ कि 2500 से अधिक पदों पर होगी, पटवारी के पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है कि राजस्थान सरकार का जो राजस्व मंडल विभाग है उसने अभ्यर्थना यानी कि पूरा प्रोसीजर तैयार कर लिया है और इसी माह अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जो जयपुर है उसको इसी माह यह अभ्यर्थना भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर ये 2500 से अधिक पद, तो बेहतरीन न्यूज़ यहाँ पर आइए देखते हैं कि राज्य के पटवार मंडलों में बड़ी संख्या में रिक्त चल रहे पटवारी के पदों को भरने के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजस्व मंडल ने जिलेवार रिक्त पदों का विवरण प्राप्त करने के बाद 2673 पदों पर नई भर्ती के लिए अभ्यर्थना तैयार की है और शीघ्र ही इसे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर, मंडल का प्रयास है किसी पखवाड़े में अभ्यर्थना भेजकर माह के अंत तक, इसी महीने के यानी कि अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति जारी कराई जा सकती है। भर्ती की प्रक्रिया में विलम्ब नहीं हो, प्रदेश में करीब 13000 पटवार मंडल हैं। इसके अलावा राजस्व मंडल, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार, न्यास, उपखंड और तहसील कार्यालय सहित निकाय और पालिकाओं में पटवारी के पद स्वीकृत हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्व मंडल, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार, न्यास, उपखंड और तहसील कार्यालय सहित अन्य निकायों और पालिकाओं में पटवारी के जो पद रिक्त हैं उनके लिए वैकेंसी जाने वाली है। तो यहाँ पर जो हाल दे रखा है कि आधे से अधिक रिक्त पद, जो पटवारी के जो टोटल जो पोस्टें स्वीकृत हैं उनमें से आधे से भी कम पटवारी के जी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। तो अभी एक पटवारी को खुद के अलावा अतिरिक्त 3 से 4 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि पटवारी जो संघ है कानून को संघ के साथ मिलकर ये अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं और इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ये वैकेंसी जाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो संविधान पर व्यवस्था का प्रयास, राजस्व विभाग की अनुमति के बाद मंडल प्रशासन हाल ही में जिलेवार रिक्त पदों के अनुसार सेवानिवृत्त पटवारियों को संविधान पर रिखने की व्यवस्था करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। पटवारियों की कमी को देखते हुए गत वर्ष चयन हुए पटवारियों को प्रशिक्षण काल पूरा होने से पहले ही उन्हें भी प्रशिक्षण के दौरान भी पटवार मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही, इससे कार्यकुशलता और पारदर्शिता में खलल पड़ने की आशंका बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल पद 2673 पदों पर यह वैकेंसी आएगी और यहाँ पर मैं आपको ये राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा यह अभ्यर्थना तैयार की गई है। इसके अलावा आप दैनिक नवज्योति के आज अजमेर संस्करण की ये न्यूज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेपर के जो साइज था यानी कि जो राइटिंग थी वो कुछ साफ नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए से मैंने आपके लिए स्क्रीन शॉट ले कर रखे हुए थे। और यहाँ पर आज का आप ये दैनिक नवज्योति के अजमेर संस्करण की खबर देख सकते हैं कि 2673 पद यानी कि 2673 पदों पर यह वैकेंसी इसी माह के अंत तक, राजस्व मंडल का प्रयास है कि अभ्यर्थना वो भेज देगा और इस माह के अंत तक ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछली पटवारी की भर्ती थी उसकी तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आयोग ने पहले से जारी कर दी थी और उसके बाद जो खाली वैकेंसीज बची हैं यानी कि 2673 पद वो जल्द ही आपके सामने होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।